हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 केमिस्ट्री सब्जेक्ट से सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक जो होते हैं वो पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड होते हैं। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्या होता है? पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड। तो भाई पॉलीमर किसे कहते हैं? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड है तो पॉलीमर कहते किसे है, ध्यान दीजिएगा। पॉलीमर, पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक। और मर का मतलब क्या होता है? मोनोमर, स्मॉल मॉलिक्यूल। वह कंपाउंड जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? हम पॉलीमर कहेंगे। जैसे यहां पर एक एक्सप्रेशन देखिए, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से हैं और इस मॉलिक्यूल को हमने हीट कर दिया, क्लियर। तो ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो गए, चैन से जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? प्रत्येक छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो ये क्या है? ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, क्लियर। और ये स्मॉल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जब हीट किया गया तो जुड़ गया, कंबाइन हो गया। और कंबाइन होकर के ये क्या बना दिया? बिग मॉलिक्यूल। बिग मॉलिक्यूल बना दिया, क्लियर। तो जब स्मॉल मॉलिक्यूल छोटे छोटे, ए लॉट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के बाद क्या बना दिया? बिग मॉलिक्यूल, क्लियर। तो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है, इस स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या बोला गया? मोनोमर के नाम से जाना गया। और जो बिग मॉलिक्यूल है उसको क्या बोला गया? पॉलीमर बोला गया, क्लियर। और ये तो एक केमिकल प्रोसेस हो गया ना, इसमें क्या हो रहा है? इस केमिकल प्रोसेस में प्रत्येक छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चैन है, लिंक से जुड़ गया। ये स्मॉल मॉलिक्यूल है और प्रत्येक स्मॉल मॉलिक्यूल लिंक्ड हो गए एक दूसरे के साथ, लिंक्ड हो गए तो एक बिग मॉलिक्यूल का निर्माण कर दिए। और उस बिग मॉलिक्यूल को पॉलीमर बोला गया और स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या बोला गया? मोनोमर। और ये जो केमिकल प्रोसेस हुए, इस केमिकल प्रोसेस को क्या बोला गया? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोला। क्या बोला गया? पॉलीमराइजेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग फैमिलियर हैं पॉलीथीन से। हम लोग सब्जी लाने के लिए जाते हैं या किसी भी तरह का कोई भी सामग्री, ग्रेन्स लाने के लिए जाते हैं तो पॉलीथीन में लाते हैं। पॉलीथीन क्या है, जिसे हम प्लास्टिक के भी नाम से जानते हैं। तो पॉलीथीन पॉलीमर हो गया। और वो किस चीज का बना हुआ है? तो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल का बना हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, यानी ये क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल। और इस स्मॉल मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इथीन के नाम से जानते हैं, या नहीं तो इसको हम इथाइलीन के भी नाम से जानते हैं। और स्मॉल मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? तो मोनोमर कहेंगे, क्लियर। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या बोला गया? मोनोमर बोला गया। अब इसको हमने हीट कर दिया, तो ये जो प्रोसेस कहलाया केमिकल प्रोसेस वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाया। और इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में
प्रत्येक स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, इसी तरह से चैन के साथ जुड़ गए, जस्ट लाइक एज इस तरह से। क्लियर? तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक स्मॉल मॉलिक्यूल यानी इथीन या इथाइलीन मॉलिक्यूल जिसको मोनोमर बोला गया, उसको हीट किया गया तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाया, और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो गए, चैन से जुड़ गए, तो ये अब क्या कहलाया? बिग मॉलिक्यूल कहलाया। अब इसी बिग मॉलिक्यूल को क्या बोला गया? पॉलीमर। तो पॉलीमर ये कहलाया, किसका पॉलीमर है? तो इथीन या नहीं तो इथाइलीन का पॉलीमर है। सो दैट हम इसको क्या कहेंगे? पॉलीथीन के नाम से जानेंगे या नहीं तो पॉली इथाइलीन के नाम से जानेंगे। क्लियर? यानी कि पॉलीथीन या पॉली इथाइलीन क्या है? इट इज ए पॉलीमर विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई ए लॉट ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स जस्ट एज इथीन और इथाइलीन। क्लियर? तो बच्चों इसका डिफिनीशन भी तो होना चाहिए, पॉलीमर का डिफिनीशन होना चाहिए। तो पॉलीमर किसे कहेंगे? तो पॉलीमर इज ए हाई मास मॉलिक्यूल। हाई मास का मतलब ज्यादा वजन वाला मॉलिक्यूल है, विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लॉट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। क्लियर? पॉलीमर क्या हो गया? तो पॉलीमर इज ए बिग मॉलिक्यूल यानी हाई मास मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लॉट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। तो बच्चों मोनोमर क्या हो गया? मोनोमर क्या हो गया? मोनोमर का भी तो डिफिनेशन होना चाहिए। तो मोनोमर क्या है? इट इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल विच कंबाइंड इच अदर टू फॉर्म पॉलीमर। क्लियर? मोनोमर क्या हो गया? तो मोनोमर इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल विच कंबाइन इच अदर टू फॉर्म पॉलीमर। हम यहां देख रहे हैं ये मोनोमर है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहा है तो पॉलीमर बना दिया। तो मोनोमर क्या हो गया? यह एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जो पॉलीमर के निर्माण में भाग लेता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या कि ये जो केमिकल प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीमराइजेशन इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है। इट इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड। पॉलीमराइजेशन क्या है? तो पॉलीमराइजेशन एक केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसके माध्यम से पॉलीमर कंपाउंड का निर्माण होता है। तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक क्या है? तो इट इज ए पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड। दीज आर द पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड। क्लियर? अब हम देखते हैं क्या कि पॉलीमर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर देखते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सोर्स के आधार पे, यानी कैसे
पाया जाता है उसके आधार पर हम लोग पॉलीमर का स्टडी कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पॉलीमर जो होते हैं वो उनके कई सोर्स होते हैं, वो नेचर में भी प्राप्त हो सकते हैं, नेचर से भी प्राप्त करते हैं, सिंथेटिकली लेबोरेटरी या नहीं तो फैक्ट्री में भी बनाते हैं। तो उस आधार पे हम देखते हैं क्या कि पॉलीमर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं नेचुरल पॉलीमर, सेकंड कहलाते हैं सिंथेटिक पॉलीमर और थर्ड कहलाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर? तो यहां ध्यान दीजिएगा, नेचुरल पॉलीमर किसे कहेंगे? तो वह पॉलीमर जो नेचर से ऑब्टेंड करते हैं, यानी कि ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि वह पॉलीमर जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं, जैसे प्लांट से प्राप्त करते हैं या एनिमल से प्राप्त करते हैं, तो उस पॉलीमर को क्या कहेंगे हम? नेचुरल पॉलीमर। जस्ट इसका एग्जांपल जूट फाइबर हो गया, फाइबर, कॉटन, सिल्क, ऊल, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब जो पॉलीमर है बेटा, ये सब पॉलीमर हम किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं या नहीं तो एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो वह पॉलीमर जिनका सोर्सेज प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया, उस पॉलीमर को क्या कहेंगे हम? नेचुरल पॉलीमर। जैसे जूट, जूट प्लांट से प्राप्त करते हैं, कॉटन प्लांट से कॉटन प्राप्त करते हैं, सिल्क, सिल्क का जो कीड़ा होता है उससे हम लोग प्राप्त करते हैं, ऊल जो भेड़ हो गए, रैबिट हो गए, उसके हेयर से हम लोग जो प्राप्त करते हैं ऊल हो गया, प्रोटीन्स हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारे चीजों का सोर्सेज क्या है? प्लांट्स या नहीं तो एनिमल बॉडी। सो दैट प्लांट और एनिमल बॉडी से, यानी एनिमल से जो पॉलीमर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर। क्लियर? हम लोग यहाँ सिंथेटिक फाइबर में भी, फाइबर में भी देखेंगे कि नेचुरल फाइबर कौन से हैं, सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं। अब एक आता है सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर को ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन केमिकली इन द फैक्ट्री। देखो ध्यान देना इसमें, सिंथेटिक पॉलीमर को हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं डिफरेंट केमिकल्स को कंबाइन करके, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के माध्यम से। तो जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक तो पेड़ में नहीं फटते हैं, पेड़ में तो नहीं उगते हैं, तो प्लास्टिक कैसा पॉलीमर कहलाया? सिंथेटिक पॉलीमर। इसे हम लैब में बनाते हैं, नाइलॉन का धागा होता है, टेरिलीन होता है, यानी पॉलिस्टर भी एक पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड कहलाए। पॉलिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। पॉलिस्टर ये कैसा कंपाउंड कहलाया? तो सिंथेटिक पॉलीमर कहलाया। उसके बाद मेलामाइन, बैकेलाइट और बेटा पॉलीथीन जो प्राप्त किए हम, ये भी कैसा पॉलीमर कहलाया? सिंथेटिक पॉलीमर। यानी ये सब पॉलीमर को हम लोग
लैब में प्राप्त करते हैं या फैक्ट्री में प्राप्त करते हैं डिफरेंट केमिकल्स के माध्यम से, तो हम उसको क्या कहेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। अदर एग्जांपल के रूप में लेते हैं स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स कैसा पॉलीमर कहलाया? सिंथेटिक पॉलीमर कहलाया। प्लास्टिक, नाइलॉन, टेरिलीन, ये पॉलिस्टर, मेलामाइन, बैकेलाइट, पॉलीथीन, ये सारा का सारा कैसा पॉलीमर कहलाया? सिंथेटिक पॉलीमर। अब सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? सेमी का मतलब हो गया आधा, यानी कि नेचुरल पॉलीमर, कुछ नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं वो गुड क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो गुड क्वालिटी बनाने के लिए उस नेचुरल पॉलीमर में कुछ केमिकल को मिक्स करके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के माध्यम से एक अलग तरह का पॉलीमर बनाया गया, जिसे हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहा गया। सेमी सिंथेटिक का मतलब आधा नेचुरल और आधा सिंथेटिक, क्लियर? तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहते हैं? वह पॉलीमर जो नेचुरल पॉलीमर को गुड क्वालिटी बनाने के लिए उसने केमिकल मिक्स कर दिया गया, तो आधा सिंथेटिक हो गया, आधा नेचुरल हो गया, सो दैट वो क्या कहलाया? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाया। इसके एग्जांपल में कौन कौन से हो जाएंगे? टेरिलीन, सॉरी टेरिकॉट या टेरिकॉटन, टेरीउल, टेरलीन में उल मिला दिया, गुड क्वालिटी का हो गया टेरीउल, टेरलीन में कॉटन को मिक्स कर दिया टेरिकॉटन, कॉटन जो है सिंथेटिक हो गया, उल सिंथेटिक हो गया और टेरिलीन, सॉरी कॉटन और उल नेचुरल हो गया, टेरिलीन सिंथेटिक हो गया। तो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों को मिला दिया गया तो वो क्या कहलाया? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाया। एग्जांपल में हम क्या लेते हैं? टेरिकॉट, टेरिउल और वल्केनाइज्ड रबर। यहां ध्यान दीजिएगा, नेचुरल रबर जो होते हैं वो रबर प्लांट से प्राप्त होते हैं, क्लियर? तो नेचुरल रबर गुड क्वालिटी का नहीं होता है, गुड क्वालिटी का बनाने के लिए उसमें कुछ वोल्केनिक सल्फर को मिला करके हीट किया जाता है, तब जाकर के वो गुड क्वालिटी का रबर बनता है। तो उस रबर को हम क्या कहते हैं? वोल्केनाइज्ड रबर, यानी टेरिकॉट, टेरिउल, वल्केनाइज्ड रबर, ये सब जो कहला है किस तरह का? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहला है, क्लियर? और रेयॉन वुड पल्प से मिलता है, सेलुलोज से प्राप्त करते हैं, लेकिन इसको गुड क्वालिटी का बनाने के लिए उस सेलुलोज में कुछ मिक्स कर दिया जाता है, सो दैट रेयॉन फाइबर जो होते हैं वो कैसा कहलाया? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाया। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का स्टडी कर रहे हैं और ये किस तरह का कंपाउंड कहलाया? पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड। पॉलीमर किसे कहते हैं? तो वह कंपाउंड जो छोटे छोटे मोनोमर यूनिट यानी स्मॉल मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर के नाम से जानते हैं। और उस केमिकल प्रोसेस जिससे पॉलीमर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। मोनोमर किसे कहते हैं? तो मोनोमर स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो पॉलीमर का निर्माण करता है। पॉलीमराइजेशन का किसे कहते हैं? यह एक केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसके माध्यम से मोनोमर यूनिट के द्वारा पॉलीमर का निर्माण किया जाता है। अब हम पॉलीमर के कई टाइप्स का स्टडी करेंगे। तो पहला क्या हो गया? सोर्सेस के आधार पे नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर भी होते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर भी होते हैं। नेचुरल पॉलीमर को हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं, जैसे प्लांट्स या नहीं तो एनिमल से प्राप्त करते हैं, जूट,
कॉटन, सिल्क, उल, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या नेचुरल रबर, ये सब कैसा पॉलीमर कहलाया? नेचुरल पॉलीमर कहलाया। अब यहां पर देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ्टन सिंथेटिकली इन द लेबोरेटरी और फैक्ट्री, यानी कि ये मैनमेड पॉलीमर कहलाए, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, इथाइलीन मॉलिक्यूल का बना हुआ है, नाइलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, मेलामाइन, बैकेलाइट, पॉलीथीन, स्पेंडेक्स, ये सब क्या कहलाए? तो ये सब सिंथेटिक पॉलीमर कहलाए। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहेंगे? तो वह पॉलीमर जो आधा नेचुरल है और आधा सिंथेटिक है। तो कुछ नेचुरल पॉलीमर गुड क्वालिटी के नहीं होते हैं, उसे गुड क्वालिटी का बनाने के लिए हम लोग उसमें कुछ केमिकल मिला देते हैं और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के माध्यम से एक गुड क्वालिटी का पॉलीमर प्राप्त करते हैं, जिसे हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से जानते हैं। टेरिकॉट, टेरिलीन और कॉटन को मिला दिया, टेरिलीन सिंथेटिक और कॉटन नेचुरल, तो सेमी सिंथेटिक हो गया। सिमिलरली टेरी उल, वल्केनाइज रबर, रेयॉन, वल्केनाइज रबर जो होते हैं, नेचुरल रबर जो होते हैं वो गुड क्वालिटी के नहीं होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका अच्छा नहीं होता है, ज्यादा उसको हम पुल करते हैं टूट जाता है। सो दैट उस नेचुरल रबर में वैल्केनिक सल्फर, ज्वालामुखी से जो सल्फर निकलता है, उस सल्फर को मिक्स करके हीट कर दिया जाता है, 5% सल्फर। तो वो सल्फर इस रबर में जो मॉलिक्यूल है उसको बाइंड कर देता है, और बाइंड कर देने के बाद जो रबर प्राप्त होता है उस रबर को हम वल्केनाइज रबर कहते हैं, और वल्केनाइज रबर जो होते हैं वो गुड क्वालिटी के रबर कहलाते हैं। रेयॉन, रेयॉन भी एक फाइबर होता है, और ये जो रेयॉन फाइबर है ये किस चीज से प्राप्त करते हैं? वुड पल्प से। वुड पल्प किसे कहते हैं? तो वुड का जो छाल होता है जिसमें सेलुलोज पाए जाते हैं, तो उस सेलुलोज से हम लोग रेयॉन फाइबर का निर्माण करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ पॉलीमर का हम और भी देखेंगे टाइप्स। थैंक यू। अब यहां पे आपको सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में, जैसे हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखे थे, तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक भी क्या है? तो ये भी एक पॉलीमर है। क्लियर? तो अगर हम फाइबर को कॉन्सेप्ट में लेकर के, फाइबर इज ऑल्सो पॉलीमर, तो पॉलीमर तीन तरह के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उसी आधार पे हम लोग यहाँ पे अब डिस्कशन कर रहे हैं कि फाइबर के बारे में। तो फाइबर क्या है? तो फाइबर जिसे हम थ्रेड का के नाम से जानते हैं, धागा के नाम से जानते हैं, और फाइबर का निर्माण, फाइबर का यूज हम लोग फैब्रिक के निर्माण में करते हैं। तो फाइबर भी तीन तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर, वह फाइबर जिसे हम प्लांट या एनिमल से प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, वह फाइबर जिसे हम केमिकल के द्वारा लैब में निर्माण करते हैं, लेबोरेटरी में हम बनाते हैं, या नहीं तो हम कमर्शियली फैक्ट्री में निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर। उसी तरह से सेमी सिंथेटिक फाइबर, सेमी का मतलब, सेमी सिंथेटिक का मतलब आधा नेचुरल और आधा सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक जो होते हैं वो गुड क्वालिटी के होते हैं। क्लियर? क्योंकि नेचुरल फाइबर में सिंथेटिकली केमिकल मिला करके बनाया गया, तो सेमी सिंथेटिक बोला गया। तो सबसे पहले नेचुरल फाइबर का एग्जांपल जूट, जूट प्लांट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, कॉटन
कॉटन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, उल हम लोग शीप यानी भेड़ या रैबिट या गोट के हेयर से हम लोग उल का निर्माण करते हैं। सिल्क मलबेरी प्लांट पे सिल्क का कीड़ा होता है, उस कीड़े से हम लोग कोकून के माध्यम से सिल्क का निर्माण करते हैं। तो यानी कि नेचुरल फाइबर का एग्जांपल जूट कॉटन उल और सिल्क हो गया। अब सिंथेटिक फाइबर, ये नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है, इसे हम केमिकल के द्वारा फैक्ट्री में निर्माण किए, जैसे नायलॉन थ्रेड, एक्राइलिक थ्रेड, पॉलिस्टर, स्पेंडेक्स, ये सब कैसा हो गया फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेमी सिंथेटिक फाइबर यानी आधा नेचुरल आधा सिंथेटिक, गुड क्वालिटी के लिए हम लोग इसका निर्माण करते हैं, जैसे टेरी कॉटन, टेरलिन में कॉटन को मिला दिया, टेरलिन सिंथेटिक फाइबर, कॉटन नेचुरल फाइबर, तो टेरलिन क्या कहलाया, सेमी सिंथेटिक। उसी तरह टेरी उल, टेरलिन में उल को मिला दिया, टेरी उल, ये भी सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन, रेयॉन क्या है, तो रेयॉन भी एक तरह के थ्रेड होते हैं, धागा होता है, फाइबर होता है, जिसे हम वुड पल्प से प्राप्त करते हैं। वुड पल्प का मतलब क्या हो गया, पेड़ का जो छाल होता है, उस छाल में, उस छाल को वुड पल्प के नाम से जानते हैं, और उसमें सेलुलोज होते हैं, तो हम उससे प्राप्त करते हैं रेयॉन, क्लियर। तो ये आपका एक कंसेप्ट दिया गया फाइबर का, कि भाई नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर, और सेमी सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का हम लोग जस्ट इसके पहले हम लोग स्टडी किए हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू नेचुरल सोर्सेज, लेकिन अब यहां पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, पॉलीमर के कुछ अपना स्ट्रक्चर होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग यहां पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर कितने तरह के हो जाते हैं, एक लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर किसे कहते हैं, तो मोनोमर यूनिट जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ करके लीनियर स्ट्रक्चर या स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। जैसे यहां देखिए, ये सब मोनोमर यूनिट है और एक दूसरे के साथ लिंक्ड होकर के ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया या लीनियर स्ट्रक्चर। अगर हम इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे पुल करें तो स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, लीनियर लाइन में आ जाएंगे, यानी वह पॉलीमर जो लीनियर स्ट्रक्चर का होता है मोनोमर के द्वारा लीनियर स्ट्रक्चर या स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, उस पॉलीमर को हम लोग लीनियर पॉलीमर के नाम से जानते हैं। और लीनियर पॉलीमर जो होते हैं इनका डेंसिटी काफी हाई होता है, काफी हाई डेंसिटी वाले ये पॉलीमर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफी हाई होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल का मतलब अगर हम पुल कर रहे हैं तो वो फैल रहे हैं, फिर छोड़ दिए तो फिर अपने नेचुरल पोजीशन पे आ गए, उसको हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो लीनियर पॉलीमर के बारे में क्या स्टडी किया हमने, लीनियर पॉलीमर का स्ट्रक्चर लीनियर होते हैं, मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ करके लीनियर चैन का निर्माण करते हैं। सेकंड पॉइंट, लीनियर पॉलीमर का डेंसिटी काफी हाई होता है। थर्ड, लीनियर पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। और फोर, लीनियर पॉलीमर का टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई होता है। एग्जांपल के रूप में पॉलीथीन हम लोग स्टडी किए थे, तो पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीथीन पॉलीमर है, लेकिन ये दो तरह के होते हैं, एक होता है HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन,
हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा पॉलीफिनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी के नाम से जानते हैं, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन को हम लोग एचडीपी के भी नाम से जानते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, ये जो आपको एग्जांपल दिए गए एचडीपी, पीवीसी, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब कैसा पॉलीमर कहलाया? लीनियर पॉलीमर। क्लियर। सेकंड, ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर किसे कहेंगे? जब मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ करके ब्रांच का निर्माण करता है, इस तरह का ब्रांच का निर्माण कर दे। क्लियर, ब्रांच। तो ये क्या कहलाया? ब्रांच्ड पॉलीमर कहलाया। इसमें मोनोमर यूनिट जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ करके इस तरह का ब्रांच का निर्माण है। ये सारा मोनोमर यूनिट है और एक दूसरे के साथ चैन से लिंक्ड है, तो ये कैसा पॉलीमर कहलाया? ब्रांच्ड पॉलीमर। लेकिन ब्रांच्ड पॉलीमर जो होते हैं लीनियर पॉलीमर के अपेक्षा में ब्रांच्ड पॉलीमर का डेंसिटी लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं और इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होते हैं। एग्जाम्पल में लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसे हम एलडीपी के भी नाम से जानेंगे, स्टार्च और ग्लाइकोजेन, ये सारे के सारे ब्रांच्ड पॉलीमर के एग्जाम्पल है। ब्रांच्ड पॉलीमर का मतलब बेटा क्या हुआ? तो मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ करके कैसा स्ट्रक्चर बना लिया? तो ब्रांच, जस्ट इसी के तरह का ब्रांच स्ट्रक्चर बना लिया। तो ब्रांच स्ट्रक्चर होने के कारण से हम उस पॉलीमर को क्या नाम देंगे? ब्रांच्ड पॉलीमर के नाम से जानेंगे। और ध्यान में रखेंगे ब्रांच्ड पॉलीमर लीनियर पॉलीमर के अपेक्षा में कंपेरिजन अगर करेंगे हम लीनियर पॉलीमर से, तो ब्रांच्ड पॉलीमर लो डेंसिटी के होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो हो जाते हैं। थर्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड का मतलब क्या हो गया? क्रॉस, अब देख रहे हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस किया हुआ है, ये सारा का सारा मोनोमर यूनिट्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ जुड़ गए और कैसा स्ट्रक्चर बना दिया? तो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना दिया। तो हम इसको क्या कहेंगे? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के नाम से जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे लेयर आ रहे हैं, थ्री डायमेंशनल लेयर आ रहे हैं। तो होता क्या है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाते हैं, काफी हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाते हैं। सो दैट ये जो पॉलीमर होते हैं ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिजिड, रिजिड का मतलब कठोर होता है, जल्दी टूटता नहीं है। क्लियर। इसके एग्जांपल में हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्लास्टिक्स? बैकेलाइट, मेलामाइन का यूज करेंगे। क्लियर। तो आज के वीडियो में हम लोग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का पॉलीमर के आधार पर स्टडी किए। पॉलीमर किसे कहते हैं? मोनोमर किसे कहते हैं? पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं? पॉलीमर कितने तरह के हुए इसका स्टडी किए हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के आधार, पॉलीमर सोर्सेज के आधार पे किए, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उसी आधार पे हम लोग फाइबर का भी स्टडी किए। नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर एंड सेमी सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर स्ट्रक्चर के आधार पे कितने तरह के हो गए? लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्लियर। तो इस वीडियो में हम लोग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में क्लासिफिकेशन का स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के साथ साथ कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर हैं और प्लास्टिक्स हैं इनका स्टडी करें।
थैंक यू।